नमस्कार, मैं विशाल सिंह। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम हमारे यहाँ जो हिंदी भाषा में इसको सुरन बोलते हैं और इंग्लिश में इसको एलिफेंट याम भी बोलते हैं, तो उसका कैसे उसका खेती किया जाए और उसका उसको लगाया कैसे जाए, इसके विषय में आज हम बात करेंगे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम एलिफेंट याम या सुरन की खेती कैसे करें और उसके लिए उसका चारा कैसे लगाया जाता है, उसका बीज कैसे लगाया जाता है। इसको हम ट्यूबर से लगाते हैं, जो हमारा पहले से ही मान लीजिए सुरन हमने उपजाया है तो उस सुरन को लेके ही हम अगला सुरन की खेती करते हैं, उसी से हम पौधा तैयार करते हैं। तो आपको बताएंगे कि सुरन से कैसे पौधा तैयार करें और उसको लगाया कैसे जाए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, आज हम पता करते हैं कैसे हम सुरन की या एलिफेंट याम की के पौधों को से के ट्यूबर से कैसे पौधा बनाते हैं। जी आइए, ये देखिए ये सुरन है या एलिफेंट याम बोलते हैं इसको। ये बहुत बड़ा बड़ा होता है, जैसा कि हम जानते हैं, हमने देखा भी होगा बहुत जगह, इसकी साइज़ बहुत बड़ी बड़ी होती है। इसको मैंने क्या किया कि ऑलरेडी मैंने इसको भाग में कई भागों में काट लिया है। आप काटने से पहले ये देखेंगे कि इससे हम काटते हैं और हम देखेंगे कि जैसे ये मान लीजिए एक पूरा भाग है सुरन का, पूरा जो सुरन का भाग है, और इस भाग को हम क्या करेंगे, देखिए ये जो निकला हुआ है और ये इधर एक निकला हुआ है। अगर एक निकला होगा तो हम क्या करेंगे कि उसको एक ले लेंगे, जैसे ये देखिए इसमें एक निकला हुआ है तो हम इसको पूरा एक ले लेंगे, और अगर इसमें दो है, दो जगह जर्मिनेशन हुआ है, तो हम इसको यहाँ से काट लेंगे, यहाँ से इसको इसको काटेंगे, क्योंकि ये दो पौधा बनेगा। ये देखिए ये दो पौधा बनेगा, और जब इसको काटेंगे तो ये ध्यान रखना है कि इसको बहुत छोटा सा नहीं काटना है, इसका कम से कम आधा केजी 400 ग्राम इसका वेट होना चाहिए इस पूरे भाग का लगाने के लिए। तो इसको हम ज़्यादा भाग में नहीं बांटेंगे। देखिए जैसे कि ये देखिए ये बहुत बड़ा था, इसमें इसके तीन भाग हमने किए हैं, इस तरह से था, इस तरह से एक भाग था। तो इसको मैंने देखा कि यहाँ से जर्मिनेट हुआ है, यहाँ से जर्मिनेट हुआ है और यहाँ से भी जर्मिनेट हुआ है। इसको हमने तीन भाग में काट दिया, तीन भाग में हमने काटा और इससे हम तीन पौधे बनाएंगे। इस तरह से देखिए हमने इसको अलग काट लिया है, ये एक पौधा था तो इसको हमने इसको दो भाग में अलग काट लिया है। तो हमारे ये सुरन से इतने हमने इसको काट काट के हाफ भाग में किया है, और एक का याद रखिएगा कि इसका कम से कम जो भाग है ये आधा केजी के बराबर होना चाहिए। तो इसको हम लगाएंगे। अब लगाने के लिए देखिए गड्ढा, देखिए ये हमने जो गड्ढा खुदाई किया है वो करीब आपका एक फीट चौड़ा होना चाहिए और एक फीट ही गहरा होना चाहिए, क्योंकि ये हाफ केजी से ऊपर है और इसको बढ़ने के लिए जगह चाहिए। तो हम इसलिए गड्ढा किए हैं कि मिट्टी इसकी लूज रहे और इनिशियल कंडीशन में पौधा अच्छे से ग्रो करे। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे अब, और ये हमने क्या किया है, देखिए कंपोस्ट मार के रखा हुआ है, ये हमारा आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि एकदम फाइन क्वालिटी का कंपोस्ट है। इस कंपोस्ट को हम यहाँ के मिट्टी के साथ मिलाएंगे, इसकी मिट्टी के साथ मिला के हम इसकी मिट्टी तैयार करेंगे लगाने से पहले, और मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गड्ढा क्योंकि हमारा एक फीट गहरा था तो इनिशियल कंडीशन में पौधा आराम से उसकी जड़ें जो हैं उसको ग्रो करने के लिए लूज मिट्टी मिलेगी तो आराम से ग्रो कर पाएगा। अब इसमें देखिए हमने आप ये जब कंपोस्ट मिलाते हैं तो एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर 1:5 रेशियो मिलाते हैं, अगर 5 भाग मिट्टी लेते हैं तो एक भाग हम उसमें कंपोस्ट मिलाते हैं। इस तरह मिला के हम पौधे को लगाने के लिए मिट्टी तैयार करते हैं। देखिए इस तरह से हम मिट्टी को मिला देंगे, जो भी क्लॉट टाइप का मिट्टी होगा, जो लूज मिट्टी नहीं होगा उसको हम बाहर कर देंगे। देखिए हमारा गड्ढा तैयार हो गया, और अब इसको हम लेंगे और देखिए ये जो भाग है ये हमेशा हम ऊपर रखेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा मिट्टी हटा के
लगाएंगे। पूरा इसको मिट्टी से ढकेंगे। देखिए पूरा इसको हम मिट्टी से ढक देंगे। देखिए इस तरह से हम लगाएंगे इसको। फिर से बता देता हूँ आपको कि हम एक देखिए जैसे एक नया गड्ढा है, एक बाई एक का गड्ढा करेंगे, एक फीट चौड़ा और एक फीट गहरा गड्ढा करेंगे। और इसको जो ये ऊपर वाला भाग जो है इसको हम इस तरह लगाएंगे। और जब मिट्टी बनाएंगे तो 1:5 रेशियो में हम इसका सॉइल बनाएंगे, 5 भाग मिट्टी और 1 भाग कंपोस्ट को मिला के इस गड्ढे को भरेंगे और इसको लगाने के बाद ऊपर से ढक देंगे। तो इस तरह से हम सुरन की खेती कर सकते हैं। और अधिक से अधिक जानकारी के लिए जितनी बार आप हमारा इस चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उससे हमारा क्या उत्साह बढ़ता रहेगा, और उत्साह बढ़ेगा तो हम आपको आगे भी जानकारी देते रहेंगे। मैं विशाल सिंह, केवल विचार सेवा समिति के माध्यम से आपको मैंने ये जानकारी दिया। नमस्कार।